नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं राहुल कंवल और इस वक्त हम हैं दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्क जकरबर्ग के साथ यहां पर एक टाउन हॉल को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त सिलिकॉन वैली के दौरे पर हैं, टेक प्रोफेशनल से उनकी मुलाकात हो रही है और यहाँ पर खासा उत्साह उन युवाओं में भी देखा जा रहा है जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिलिकॉन वैली दुनिया की तकनीकी राजधानी है और उसे राजधानी का दर्जा दिलाने वालों में ये चेहरे भी शामिल हैं। ये टेक प्रोफेशनल्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन से दुनिया को देखते हैं। एक दिन हजारों डॉलर का है, इनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक पूरा दिन एक राजनेता के नाम कर सड़कों पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान कैलिफोर्निया के सैन होजे एयरपोर्ट पर उतरा तो सिलिकॉन वैली के भारतीय टेक प्रोफेशनल्स उनके इंतजार में खड़े। प्रधानमंत्री विमान से उतरे, सुरक्षा घेरे से बाहर निकले और स्वागत में जमा लोगों के बीच पहुंच गए। एयरपोर्ट से नरेंद्र मोदी का काफिला फेयरमॉन्ट होटल के लिए रवाना हो गया। ये वही होटल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकनीकी दुनिया के दिग्गज कंपनियों के सीईओज से मिलना था। अंदर सीईओज मोदी का इंतजार कर रहे थे और बाहर उन्हीं सीईओज की कंपनी को चलाने वाले कुछ युवा भारतीय होटल के सामने मोदी के लिए वक्त निकाले खड़े थे। आज इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में अगर कोई इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, टाइम निकाल के क्यों आए हैं? उसका आंसर बस इतना ही है कि हमें लगता है कि अब हमारे भारत का विकास होगा और जो भारत का असली स्थान है पूरे विश्व में, जो एक जगत गुरु का स्थान है, वो हम पा सकेंगे। सो दैट इज व्हाई होल ऑफ सैन होजे, होल ऑफ बे एरिया इज मॉडिफाइड। इन्हीं उम्मीदों के साथ युवाओं का ये जमावड़ा फेयरमॉन्ट होटल के सामने प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में खड़ा था। मोदी का काफिला होटल पहुंचा और होटल के भीतर जाने से पहले मोदी इन युवाओं से मिलने पहुंच गए। कई घंटों से हिंदुस्तानी समुदाय के ये निवासी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका इन सबको इंतजार था। वही जोश, वही जुनून जो हमने न्यूयॉर्क में देखा, वही जोश, वही जुनून जो शंघाई में देखा गया, जो सिडनी और मेलबर्न और दुबई में देखा गया। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, प्रधानमंत्री से बात करने के लिए लोग बेकरार। नरेंद्र मोदी युवाओं से मिलने के बाद होटल के भीतर दाखिल हो गए जहां तमाम कंपनी के सीईओज उनके इंतजार में बैठे थे और बाहर खड़े तकनीकी दुनिया के होनहार उत्साह से भर गए। कई घंटों से ये लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेकरार थे, आखिरकार इन लोगों को मौका मिला। मोदी जी की आप लोग फोटो वोटो खींच पाए, सेल्फी खींच पाए? सेल्फी नहीं खींच पाए लेकिन मिलने का चांस मिला। दैट वाज ऑसम, दैट वाज ऑसम। सिर्फ हाथ मिला सका मैं, सिर्फ हाथ मिला सका मैं, वो बहुत ही बड़ी मोमेंट थी मेरे लिए। मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो इंडिया और यूथ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और वो उनको सपोर्ट यूथ का सबसे ज्यादा है। उम्मीद है कि वो यहाँ की टेक कंपनी इंडिया तक ले जाए और इंडिया के यूथ को जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो ना हो। मेरा मकसद है भारत वापस जाना और मोदी जी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा देश जो है महान बने और मैं जाके वहाँ पे जो यहाँ कर रहा हूँ वहाँ करूँ। विदेशों में बसे भारतवंशियों की चाह अब लौट आने की है। वो चाहते हैं कि भारत में तकनीक के हब बन चुके शहर अब दुनिया की नजर में सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा विकल्प बने और वो वापस अपने घरों को लौट सके। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि हिंदुस्तान वापस जाना चाहते हैं? राहुल कंवल, सैन होजे, आज तक। कल सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन होजे के सैप अरीना में भारतीय समुदाय के लोगों से मुखातिब होंगे। मैडिसन स्क्वायर गार्डन
पार्ट टू। इसके लिए यहाँ पर कई हफ्तों से लोग तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से सूफी गायक कैलाश खेर मुंबई से सैन होसे पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के भाषण से पहले वो अपना परफॉर्मेंस रखने वाले हैं। जमीन किसी भी देश की हो, नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हो, भारतीयों के मन में उत्साह की यही उमंगें देखने को मिलती हैं। यही नरेंद्र मोदी का जादू है जिसने विदेशी जमीन पर बसे भारतीयों के मन में भारतीय अस्मिता की नई ऊंचाइयां दी है। लगभग साल भर हो गया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा थी, तब भी भारतवंशियों ने दिल खोल कर मोदी का स्वागत किया था। हजारों की तादाद में भारतीयों ने मोदी के लिए गीत गाए थे। और सैन होजे का नजारा भी कुछ ऐसा ही होने का संकेत दे रहा है। भारतीय समय के मुताबिक रविवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन होजे के सैप सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिलिकॉन वैली में टेक प्रोफेशनल्स के बच्चे और युवा मोदी के स्वागत की तैयारियां कई दिनों से कर रहे हैं। अब बस कुछ ही घंटे का इंतजार है, उसके बाद हिंदुस्तानी मूल के ये यंग डांसर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सैप अरीना पे परफॉर्म करने वाले हैं। काफी तैयारी कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, हम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरे जुनून के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये मेहनत आप अभी देखेंगे, अगर आप आएंगे हमारे संडे के शो पे तो आपको पता चलेगा। इस 10 मिनट के अंदर अंदर हमने बहुत सारी डांस स्टाइल्स इंटीग्रेट की है, जैसे कि योगा से शुरू करते हैं हम, फिर हम भांगड़ा, गरबा, रास, हम बॉलीवुड भी करते हैं। सिलिकॉन वैली में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक दौरा नहीं किया है। भारत में निवेश करने के लिए बेहतर मौका तलाशने वाली कंपनियों के साथ साथ तकनीक की दुनिया में स्टार्टअप करने वाले भारतीयों के लिए भी दौरा कई मायनों में अहम है। मोदी की यात्रा से सिलिकॉन वैली में खासा उत्साह है। मोदी का भाषण सुनने सैप सेंटर में 18,000 से ज्यादा भारतीय जमा होंगे। इस इवेंट के लिए 45,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सिर्फ 18,000 लोगों को ही टिकट मिल पाया। सिलिकॉन वैली में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये पहले प्रधानमंत्री है आफ्टर नेहरू हु इज विजिटिंग कैलिफोर्निया। इट्स टाइम, राइट? इट्स टाइम दे रिकॉग्नाइज के कैलिफोर्निया के यहाँ के लोगों ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है इंडिया का नाम ऊंचा कराने में, और डिजिटल वर्ल्ड में उनकी एक्सपर्टीज है जो के बहुत उत्सुक हैं उनके साथ मिलजुल के काम करने में। सैप सेंटर में मोदी के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम में कैलासा बैंड के गायक कैलाश खेर भी अपने सूफी गीत पेश करेंगे। शो की ये शुरुआत होने के एक महीने बाद मुझे पता लगा कि द इवेंट इज the community reception for PM Narendra Modi ji, तब मुझे समझ आया, wow man, it's going to be really good, क्योंकि पहली बार मेरी नज़रों में एक ऐसा मतलब कमाल की एनर्जी वाला इंसान आया है उस गद्दी पर, तो I like his energy। सैयां तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाह में तुझ में गुम हो जाऊं मैं। भारतीय समुदाय अब मानने लगा है कि भारत के उदय की उम्मीदें अब बढ़ गईं। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के देश की राजनीतिक और आर्थिक गूंज की गवाह फिलहाल सिलिकॉन वैली बन रही है।
राहुल कंवल, सैन होजे, आज तक। विशेष में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे गाड़ियों का भविष्य, बिन इंजन के और बिन ईंधन के चलने वाली टेस्ला की खास कार। आप देखते रहिए विशेष। This is the first of its kind visit. नरेंद्र मोदी के पहुंचने की तस्वीरें देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी फेसबुक के ऑफिस में पहुंच चुके हैं, जिसका इंतजार, नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार, जिस पल जिस लम्हे का इंतजार वहां पर मौजूद फेसबुक के कर्मचारी कर रहे थे। न सिर्फ ये कर्मचारी बल्कि भारत में भी इस वक्त ये इंतजार हो रहा था कि नरेंद्र मोदी फेसबुक के ऑफिस में कब पहुंचते हैं। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ से उनकी मुलाकात कब होती है, कैसे होती है, तो नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये न सिर्फ, आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं फेसबुक के ऑफिस में मौजूद हमारे सहयोगी राहुल कंवल के पास। राहुल, हम शायद उतनी साफ तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप बता पाएंगे कि इस वक्त वहां पर चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां फेसबुक के दफ्तर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो टाउन हॉल में मार्क जुकरबर्ग के साथ आने वाले हैं। उससे ठीक पहले दोनों ने अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर्स हैं उनको चेंज किया है डिजिटल इंडिया की थीम में, और यहाँ पर लोग अब ये लबालब भर चुका है लोगों के साथ। बेहद उत्साहित ये लोग इंतजार कर रहे हैं पीएम को सुनने का, और तमाम सवाल जवाब का सिलसिला होगा। 45 मिनट तक प्रधानमंत्री और मार्क जुकरबर्ग के बीच ये सवालों का सिलसिला होगा। कई लोग दिल्ली से भी आए हैं, कई लोग पुणे से आए हैं खास तौर से सवाल पूछने के लिए। तो काफी बड़े तर्ज पर इसका आयोजन किया गया है, अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया गया। अमेरिका में अलग अलग जगहों से लोग सवाल पूछने के लिए आए हैं। मार्क जुकरबर्ग अक्सर महीने में एक दफा इस तरह का टाउन हॉल करते हैं, लेकिन ये पहली दफा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के टाउन हॉल में हिस्सा लेने आए। मार्क जुकरबर्ग ने जब राहुल फेसबुक पर ये लोगों से पूछा एक पोस्ट में कि आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो 40,000 से ज्यादा लोगों ने सवाल भेजे हैं। यहाँ ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और फेसबुक के अंदर की ये तस्वीरें, दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पहुँच चुके हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी यहाँ फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से भी मुलाकात करेंगे, और इस महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए कर्मचारी जो हैं वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। 5,000 फेसबुक में कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं 5,000 यहाँ पर, और उनमें से ज़्यादातर आज दफ्तर में मौजूद हैं। ज़्यादातर क्या है, अगर ये कहा जाए कि सभी फेसबुक के एम्प्लॉयज़ वहाँ पर मौजूद हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये जानकर खुशी होती है कि बड़ी तादाद में फेसबुक के दफ्तर में, फेसबुक में बहुत सारे भारतीय जो भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं, और ये भारतीय भी इस उम्मीद में हैं कि शायद उन्हें मौका मिल जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का। तो ये वो उत्सुकता है, ये फेसबुक के तमाम वो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, और ये सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। सिलिकन में फेसबुक का ये हेडक्वार्टर है जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मार्क जुकरबर्ग से आपसे कुछ देर बाद मुलाकात होगी, और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वो अटकलें ये कि जुकरबर्ग जो हैं वो कभी भी फॉर्मल कपड़े नहीं पहनते हैं, एक जीन्स और एक टी शर्ट में रहते हैं। वो वक्त बचाने के लिए कपड़ों पर अपना वक्त ज़ाया या बर्बाद नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आज शायद वो फॉर्मल्स में नज़र आ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी हुई है कि जुकरबर्ग ने आपसे कुछ देर पहले अपना फेसबुक प्रोफाइल का पिक्चर, फोटोग्राफ भी चेंज किया है। तो ये भी एक डिजिटल इंडिया कैंपेन को समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है जुकरबर्ग के, और भारत और नरेंद्र मोदी को एक बड़ा समर्थन इसे माना जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं फेसबुक के दफ्तर में, हेडक्वार्टर में। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग से अब से कुछ देर बाद उनकी मुलाकात भी होनी है। तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री यहां पर देंगे। फेसबुक के सभी एम्प्लॉयज, सभी ऑफिसर्स भी यहां पर होंगे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे, और इसके बाद गूगल के कर्मचारियों से उनके ऑफिस में जाकर मिलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है।
फेसबुक के दफ्तर में नरेंद्र मोदी का होना सोशल नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मुलाकात पर न सिर्फ फेसबुक की नज़रें हैं, भारत की नज़रें हैं, आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस पर नज़रें गड़ाए बैठी है। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो जाएगा ना कभी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं फेसबुक के दफ्तर, वहां पर उनका स्वागत किया गया। और नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल ऑफिस में हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जहां से वो लोगों से बातचीत कर सकेंगे, उनके सवालों का जवाब दे सकेंगे, देंगे। सवाल जवाब का एक दौर होगा। सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट और सोशल नेटवर्किंग कंपनी के दफ्तर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जब, और देखिए जकरबर्ग ने क्या लिखा था, डिजिटल इंडिया के समर्थन में मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर बदल दिया है। मार्क जकरबर्ग सीईओ जो कि फेसबुक के हैं, उन्होंने ये लिखा है, ग्रामीण समाज को इंटरनेट से जोड़ने की भारत सरकार की ये मुहिम है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का नारा दे रहे हैं। फेसबुक दफ्तर में पीएम मोदी से डिजिटल इंडिया पर बातचीत का इंतजार है। मार्क जुकरबर्ग सीईओ फेसबुक के काफ़ी एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, और उन्होंने अब से कुछ देर पहले फेसबुक पर ये पोस्ट भी किया है अपना। तो प्रधानमंत्री मोदी इस मुलाकात के जरिए डिजिटल इंडिया के लिए बेहतर निवेश का एक मंच भी तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीधे फेसबुक के ऑफिस से राहुल गवल भी जुड़े हुए हैं, और हमारे एक और सहयोगी पीयूष पांडे भी जुड़ चुके हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग से काफ़ी जुड़े हुए हैं। पीयूष, फेसबुक का सोशल नेटवर्किंग में क्या महत्व है, क्या अहमियत है इसकी? नहीं सही, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फेसबुक आज सबसे बड़ी साइट है जिसके लगभग 1.5 अरब यूजर्स हैं, और अपने आप में अगर ये आंकड़ा इतना ज्यादा है कि जिसको हम मान सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क फेसबुक है। और फेसबुक ने जिस तरह अपना विस्तार किया है, भारत में ही अगर देखा जाए तो फेसबुक ने जिस तेजी से विस्तार किया है अपना, और आज की तारीख में 14 करोड़ फेसबुक यूजर्स भारत में है। ये आंकड़ा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन जैसे देशों की आबादी 7-8 करोड़ है। तो फेसबुक आज आम शहरी जीवन का हिस्सा बन चुकी है, और फेसबुक के जरिए कई सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फेसबुक सोशल नेटवर्किंग कर रही है, फेसबुक के जरिए क्राउड फंडिंग हो रही है, फेसबुक के जरिए लोग संवाद कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें फेसबुक की अपनी अहमियत है। तो फेसबुक की महत्ता हम सब समझ सकते हैं। यही बात पीयूष, ये एक अगर हम इसे कहें कि ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है कि फेसबुक और कोई भी सोशल नेटवर्किंग मतलब वो सिर्फ एक दोस्तों से मिलने जुलने बातचीत करने का जरिया, आपने कहा कि नहीं, और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं। पीयूष, जिस तरह से डिजिटल इंडिया कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है, उसमें फेसबुक कैसे महत्वपूर्ण होगा आगे चल के? देखिए, फेसबुक पिछले साल तो अक्टूबर में जब मार्क जुकरबर्ग भारत आए थे तब उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और बात हुई थी इंटरनेट के विस्तार पर। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और मार्क जुकरबर्ग दोनों का सपना ये है कि इंटरनेट का विस्तार हो। दोनों की वजह अलग अलग हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का एक सपना लेकर चल रहे हैं कि गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचे। मार्क जुकरबर्ग के लिए अपना बाजार का विस्तार करना है। मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक कंपनी अपना IPO बाजार में ला चुकी है, लगभग 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसको अपना एक्सपेंशन करना है इस तरह। और बाजार के लिहाज से भारत सबसे बड़ा बाजार इस वक्त है अमेरिका के बाद, और अमेरिका में भी अब सैचुरेशन हो रहा है क्योंकि वहां उतने यूजर्स नहीं है, जबकि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी फेसबुक पहुंचना बाकी है। खुद फेसबुक ने अगले 10 साल का जो लक्ष्य रखा है उसमें उनका अनुमान है कि वो 100 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए। तो दोनों के लिए ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
और इंटरनेट के विस्तार को लेकर दोनों उत्साहित हैं। एक लिहाज से हमको समझना पड़ेगा कि मार्क जकरबर्ग और नरेंद्र मोदी दोनों एक एक अरब से ज्यादा लोगों को मैनेज करते हैं। भारत की आबादी लगभग 1.25 अरब है और फेसबुक पर 1.5 अरब लोग हैं, तो और दोनों ही सोशल मीडिया को लेकर बहुत उत्साहित हैं। दोनों चाहते हैं कि गांव-गांव तक पहुंचे, और जाहिर से बात है अगर सोशल मीडिया का विस्तार होगा, इंटरनेट का विस्तार होगा तो दोनों के लिए अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। पीयूष, एक और अच्छी और महत्वपूर्ण बात आपने कही है, भारतीय बाजार। जाहिर सी बात है फेसबुक को इससे ज़्यादा फायदा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके दफ्तर में जाने से ज़्यादा फायदा फेसबुक को मिलेगा, लेकिन ये भी तय है किस तरह से पीयूष हम इसे तय माने, या ये क्या ये संभव है कि भारत में फेसबुक के और इस फेसबुक से लोग जुड़ेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जैसा सिलिकॉन वैली में उत्साह दिखा है, जिस तरह से वहां पर टेक कंपनीज के सीईओ मिले हैं, मार्क जकरबर्ग मिलने वाले हैं, गूगल के सीईओ मिलेंगे नडेला साहब, और सबके पास अपनी अपनी योजनाएं हैं भारत के लिए। मार्क जकरबर्ग अगर इंटरनेट का विस्तार करना चाहते हैं तो गूगल स्ट्रीट व्यू कार लेकर आना चाहते हैं गूगल की कंपनी भारत में जी। और सब चाहते हैं कि भारत, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है, तो यहाँ पर निवेश की भी संभावना है और एक्सपेंशन की बहुत संभावना है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत को काफी फायदा होगा। पीयूष, धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पीयूष पांडे फेसबुक की अहमियत बता रहे थे और किस तरह से फेसबुक ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है, किस तरह से फेसबुक न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमें तकनीकी से जवाबदेह शासन मिलेगा। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो फेसबुक के दफ्तर की तस्वीरें हैं। मार्क जकरबर्ग से अभी उनकी मुलाकात होगी, यहाँ बहुत सारे लोगों के सवालों के वो जवाब देंगे, जिसके लिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहाँ इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी और जकरबर्ग के बीच क्या बातचीत होती है, क्या सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है जो सवाल होंगे वो सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए होंगे, डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए होंगे, और बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं। लेकिन 24 घंटों का काम अब 24 मिनट में संभव है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। डिजिटल इंडिया डिनर पर उन्होंने कहा था कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम देश के ऐसे हिस्सों जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा है, जहां तकनीक नहीं पहुंची है, वहां की लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। तो उन लोगों जो जिनका इंटरनेट जिनके पास नहीं है, जहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुँचा है, उन लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाया जाए, देश की कार्यशैली में एक व्यापक परिवर्तन किस तरह से किया जाए, टेक्नोलॉजी के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के प्रभाव की मदद से हम अपनी विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाएँ और किस तरह से डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करें। तो इन्हीं तस्वीरों पर हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर।